हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आज चलेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। जो आपने लेक्चर नंबर 8 देखा वो था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद में आता है जनरल टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस जनरल टर्म में, यानी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, कंडक्टर बताया था, इंसुलेटर बताया था, मैं बात कर रहा हूँ आपसे एट नंबर लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर बताया, इंसुलेटर बताया, ठीक है ना, और वीक कंडक्टर बताया, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बताया, वीक बताया, स्ट्रॉन्ग बताया, फैक्टर अफेक्टिंग बताया, ये सारी चीज़ें बताई। तो आज चलेगा जनरल टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब जनरल टर्म्स में हम देखेंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, उनका मेजरमेंट्स, फिर इसके बाद चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं हूं धर्मवीर और आप देख रहे हो ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल टर्म्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन की जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आपसे ओम्स लॉ की। तो तुम सोच रहे होगे सर क्या फिजिक्स पढ़ाने लगे, तो ये छोटा सा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको बताया गया होगा फिजिक्स में कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट जो फ्लो करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्या लिखूं इसमें मैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, difference, ठीक है। यानी V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर या इन अ कंडक्टर। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, और वो कॉन्स्टेंट होगा रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस। बात आई यहां तक समझ में? रेजिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, वी अपॉन में आई। अगर मैं आपसे यूनिट की बात करूंगा तो वी वोल्ट हो गया, वोल्ट, VOLT वोल्ट, और I हो गया एम्पियर, AMP, ठीक है ना। तो वोल्ट एम्पियर ऊपर चला गया, तो VA-1 यानी इनवर्स वोल्ट पर एम्पियर, जिसे आप ओम बोल सकते हो, ओम, OHM, और ओम को ऐसे भी बनाते हैं, ये ओमेगा कहलाता है। क्या कहलाता है? ओमेगा। तो ओमेगा दो तरह का बनता है फिजिक्स में, तुमने देखा होगा, एक तो डब्ल्यू जैसा बना देते हैं, इसे छोटा ओमेगा बोलते हैं, स्मॉल ओमेगा, और एक ये ओमेगा बनता है, इसे बड़ा ओमेगा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को डिफाइन क्या करना है, तो यानी किसी, मैंने तुम्हें बता चुका हूं कि किसी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो चलते हैं तो वो पॉजिटिव कर्नेल से टकराते हैं। अब ये पॉजिटिव कर्नेल क्या होता है, तो इसके लिए आपको पिछला टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 8 देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, लेक्चर नंबर 1 देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां पर मिल जाएगा। फिर से बता रहा हूं एक बार कि ये मेटल है, इसमें एटम है कॉपर के या सिल्वर के, जिसका भी आप वायर लोगे, कॉपर, जब करंट फ्लो करोगे तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज ही क्या कहलाएगा, पॉजिटिव करने कहलाएगा, तो ये पॉजिटिव करने ले। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मूव करेंगे, तो वो इनसे टकराएंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी करंट के फ्लो होने को अपोज करता है। अगर यहां पर आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस
अब रेजिस्टेंस क्या है, एक मेटल की प्रॉपर्टी है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये रेजिस्टेंस हर किसी में होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट, ड्यू टू विच इट अपोज, विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। यानी किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो करने का अपोज करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जल्दी से आप लिख लो, इन सब पर न्यूमेरिकल होंगे जो आपको धीरे धीरे बताए जाएंगे, अभी नहीं, अभी मैं सारी टर्म्स बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो जल्दी से लिखो जरा, मैं फोकस चेक करूं एक बार, ठीक ठीक है बच्चों। तो मैं इसे रब कर दूं, मिटा रहा हूं, यूनिट समझ में आ गई। मैंने बताया ओम्स लॉ क्लियर हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वहां से R निकल के आया, R एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो करने का अपोज करती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बाद जो बारी आती है वो आती है कंडक्टेंस की, किसकी बारी आती है, कंडक्टेंस, सी ओ एन डी यू, कंडक्टेंस, इसे जी से इंडिकेट करते हैं, कुछ लोग सी से कर देते हैं, कंडक्टेंस जी है यहां पर हमारे लिए। अब कंडक्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो द, इट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय जी। तो जी इक्वल क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर हो जाएगा, वन अपॉन आर हो जाएगा। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं, अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं, तो वन अपॉन और आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम ऊपर चला गया तो क्या आ गया, ये ओम इनवर्स आ गया, क्या आ गया, ओम इनवर्स आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं एम एच ओ, मो भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इसको ओमेगा इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन अपॉन ओम, ओम इनवर्स, एम एच ओ, मो या ओम इनवर्स। तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टेंस, जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिख ले जल्दी से आप इसको, कंडक्टेंस को लिख लिया, मिटा दें। ऐसे छोटी छोटी टर्म में ये फॉर्मूले बन रहे हैं तुम्हारे लिए, जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। अब बारी आती है रेसिस्टिविटी की, इसको समझना ज्यादा जरूरी होगा, इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे ज्यादा। रेसिस्टिविटी, एक आगे कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है ना। अब रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो जरा, रेजिस्टेंस, अगर मैं फर्स्ट बात करूं आपसे, फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन मान लूंगा चलो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, जितनी कम लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वायर। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी वायर, किसी मेटेलिक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला है, बारीक है, ठीक है ना, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर वो मोटा वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसे समझो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, अगर बारीक तार है, पतला है, तो इलेक्ट्रॉनों को निकलने में ज्यादा मुश्किल हो रही है, गेट छोटा हो गया,
वायर छोटा मतलब गेट छोटा, जैसे तुम्हारा साइज जो भी है और तुम्हारे साइज से छोटा गेट है तो तुम्हें निकलने में दिक्कत आएगी, और तुम्हारे साइज से बड़ा गेट है तो तुम आसानी से निकल जाओगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर वो पतला वायर है तो रेजिस्टेंस, अगर वो पतला वायर है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा उसमें, ज्यादा होगा। अगर ये मोटा वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब दोनों रेजिस्टेंस है तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों रेजिस्टेंस क्या, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये, तो आर एल बाई ए, आर एल इंटू वन बाई ए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो कॉन्स्टेंट आएगा रो इंटू एल बाई ए, ये रो ही रो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, यही रेसिस्टिविटी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है ना। अब मुझे आर निकालना है, ये रो निकालना है, तो रो इक्वल कितना हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। ये समझ में ना आया तो ये फॉर्मूला पकड़ के बैठ जाना, बात है यहां तक समझ में। तो रेसिस्टिविटी क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं यूनिट की, किसकी बात करूं, यूनिट की, तो आर क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इनटू ए क्या है, ए क्या है, एरिया, और एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, सर ने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों ले ली, क्योंकि हम जो यूज करेंगे ज्यादातर वो सॉल्यूशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए भी तुम सोच रहे होगे फिर मीटर लेना चाहिए, मीटर क्यूब, ठीक है, तो वो नहीं ले सकते क्योंकि मीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा बहुत बड़े बड़े कंटेनर है, जबकि हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की बात करें छोटे छोटे बीकर लेंगे तो जो सेंटीमीटर में सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना आ गया, ओम सेंटीमीटर। तो ये यूनिट किसकी होगी, तुम्हारी रेसिस्टिविटी की होगी। अब अगर मैं लेट, अगर मैं लेंथ वन सेंटीमीटर मान लूं, लेंथ वन सेंटीमीटर मान लूं और क्रॉस सेक्शन एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर मान लूं, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो कितना आ जाएगा, रो इक्वल आर इंटू वन बाई वन, तो रो इक्वल कितना हो गया, आर हो गया, रो इक्वल कितना हो गया, आर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो अब डेफिनेशन आपको बनानी है, यहां पर डेफिनेशन आपको बनानी है, तो डेफिनेशन में लिख दोगे आप, ठीक है, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज वन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन सेंटीमीटर स्क्वेयर, लिख दोगे डेफिनेशन, कोई दिक्कत यहां पर, तो लिखो जरा, ये लिखो, मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं, लिख लोगे, ये मिटा दो ये वाला पोर्शन, बिल्कुल आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होंगे, तो यहां लिख देता हूं डेफिनेशन, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज, हुज लेंथ इज वन सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज, या आप वन सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, दैट इज इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर, ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। जब आपने वन वन मान लिया इसको तो वो एक क्यूब बन जाता है, देखो जरा ऐसे समझो,
ये बन गया क्यूब, ठीक है। ये लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर, समझ गए, और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया, तो क्यूब हो गया ना, दोनों 1, हर चीज 1 है, तो 1 लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1, हाइट भी 1, तो क्यूब हो गया वो। अब इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये रहा। तो इस सॉल्यू, ये वायर हो गए यहां पर कनेक्टिंग वायर, अच्छा करंट फ्लो करोगे, तो लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, क्यूब हो गया। तो क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें कह रहा है, ये रहा, ठीक है ना। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस हैं, जितने आयन हैं, जितने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मतलब कितने सॉल्यूशन में जितने आयन हैं, उनका जितना रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन हैं, उनका जितना रेजिस्टेंस होगा, वही क्या होगा, रेसिस्टिविटी। बात आई समझ में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ तो आयन होंगे, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, तो जितने भी आयन होंगे उनका जितना रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेसिस्टिविटी के। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी। बात आई यहां तक समझ में, तो लिखो जरा जल्दी से, मिटा दें, बहुत मुश्किल से रब हो रहा, ठीक है। अब इसके बाद बारी आई कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कुछ भी लिख दीजिए, वैसे ज्यादातर ये होगा, ठीक है। अब ये रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज conductivity, it is denoted by K. देखो K कैसा बनाया मैंने, स्पेशल टाइप का K है, तो यह कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, जिसे आप बोलोगे KAPPA। कुछ लोग बोल देंगे इसको कापा, कुछ लोग बोल देते हैं इसको कप्पा, कप्पा। तो जो तुम्हें बोलना है, कप्पा कहने में कितना सही लग रहा है ना, तो जो तुम्हें बोलना है तुम वो बोल सकते हो, कापा बोल दो या कप्पा बोल दो, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, ये के से इंडिकेट होता है और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब के इक्वल, के भी ऐसा बनाओगे, के इक्वल 1/ρ, के इक्वल 1/ρ। बात आई यहां तक समझ में, ये हुआ ठीक। अभी मैंने तुम्हें रेसिस्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, वो ये था कि R इक्वल रो L बाई ए, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, यही तो था, रेजिस्टेंस ये प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया हो गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहां पर रो निकल के आ जाएगा, रो निकालेंगे तो R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। बात आई यहां तक समझ में, चलो निकाल ही लो, तो ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल आर इंटू ए बाई एल, ये कोई इक्वेशन बनेगी।
और मैं करा चुका हूं इसे रेसिस्टिविटी में। तो के इक्वल क्या होता है, 1/ρ। तो तुम ये भी तो जानते हो कि आर जो होता है वो क्या होता है, 1/g होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो यानी मैं इसको क्या लिख दूं, जी इक्वल 1/r, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये कितना हो गया 2, तो इसको मैं कितना मान लू 3। तो यहां देखो जरा, के किसके बराबर है, 1/ρ के, तो यहां के की जगह पर, और मैं ये इसको लिख सकता हूं रो इक्वल 1/k। अगर के इक्वल 1/ρ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो रो को यहां ले जाओ, के को यहां ले जाओ, कोई दिक्कत यहां तक। तो अब मैं रो की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1/k, और मैं आर की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1/g। यानी इस वैल्यू को उठा करके आप यहां रखोगे और इस वैल्यू को उठा करके आप यहां रखोगे, रख दोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/k। या लिखोगे पहले इक्वेशन 1 and 2 आर पुटिंग इन 3। तो 1/k इक्वल 1/g इंटू ए बाई एल। अगर तुम्हें यहां पर क्या निकालना है, के निकालना है, तो के इक्वल कितना हो जाएगा, के इक्वल कितना हो जाएगा, जी इंटू एल बाई ए। ये फॉर्मूला हो गया कंडक्टिविटी के लिए, ये फॉर्मूला किसका हो गया, कंडक्टिविटी के लिए। तो क्या इसकी कोई यूनिट बनती है, यूनिट, यूनिट जी क्या होता है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस की यूनिट मैं आपको बता चुका हूं ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। एल की यूनिट होती है सेंटीमीटर और ए की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, एक ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं, SIEMEN, सीमन, ठीक है, और इसको एस से इंडिकेट करते हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स। आप ऐसे लिख सकते हो एस सेंटीमीटर इनवर्स, तो एस का मतलब सीमन है। बात है यहां पर तक समझ में? तो ये कंडक्टिविटी की बात हुई, और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी किसके जैसी होगी, रेसिस्टिविटी के जैसी, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा है, ठीक है, अभी लिखवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखो पहले इसे। लिख लिया, मिटा दे, मिटा दे, याद रखना ये फॉर्मूला निकल के आया है। ये फॉर्मूला निकल के आया तुम्हारे पास में, ठीक है, के इक्वल, फॉर्मूला निकल के आया के इक्वल जी इंटू एल बाई ए। यहां से आपने यूनिट निकाल ली ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये इक्वेशन जो भी थी, अगर आप यहां पर देख लेना, 3 थी या 4 थी, अगर यहां पर आप एल कितना ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और ए कितना ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो के इक्वल कितना आ जाएगा, जी। इसका मतलब कंडक्टिविटी किसके बराबर है, कंडक्टेंस के बराबर है। कंडक्टिविटी किसके बराबर है, कंडक्टेंस के बराबर है। कब बराबर है, कब बराबर है, जब वायर की लेंथ कितनी 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the conductance, is defined as the conductance of a solution, of a solution of 1 centimeter length and having 1 centimeter square as the area of cross section, area of cross section, unit आपको बता चुका हूं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये डेफिनेशन आप लिख लें जल्दी से, ठीक है। एक चीज और ले लेते हैं साथ के साथ, सेल कॉन्स्टेंट, इट इज डिनोटेड बाई जी स्टार। तो जी स्टार इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
ये फॉर्मूला हुआ एल बाई ए को क्या बोल सकते हो आप, जी स्टार इक्वल एल बाई ए, ये सेल कॉन्स्टेंट है। अगर मैं आपसे इसकी यूनिट की बात करूंगा तो एल का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ए का मतलब हो गया सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यानी अगर आप कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ये, यानी के इक्वल यहां भी के ऐसे ही बनाना, कभी कभी भूल जाऊं तो याद रखना, के इक्वल जी इंटू एल बाई ए, और एल बाई ए किसके बराबर है, जी स्टार के। तो के इक्वल यानी कंडक्टिविटी इक्वल जी इंटू जी स्टार, तो कभी कभी आपसे क्या निकलवाएगा, जी स्टार निकलवाएगा कि जी स्टार निकालिए, जी स्टार फाइंड करिए सेल कॉन्स्टेंट। तो आप एल बाई ए पुट ना करके जी स्टार रख ले, और वैसे सेल कॉन्स्टेंट मतलब ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी सेल की, तो जी स्टार इक्वल कितना हो जाएगा, के अपॉन जी। तो कभी कभी आपको कंडक्टेंस ना देके रेजिस्टेंस दे देता है, तो जी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/r, जी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/r। तो यहां जी की जगह पर क्या पुट कर दोगे आप, 1/r, तो क्या आ जाएगा, जी स्टार इक्वल के अपॉन जी, और जी की जगह क्या, 1/r, आर पहुंच जाएगा ऊपर, तो जी स्टार इक्वल कितना हो जाएगा, के इंटू में आर, ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो ऐसे ही आ गया बस जोड़ जाड़ के, कि इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसे रखो दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आ गया निकल के। तो जी स्टार इक्वल कितना आ गया, के इंटू आर। तो ये एक फॉर्मूला छोटा सा बन गया है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकलवाएगा तो एल वाई ए ना लेकर के, क्योंकि हम एल वाई ए लेकर के चलेंगे दिक्कत में पड़ जाएंगे, तो जी स्टार रख देंगे वहां पर। तो ये हुआ तुम्हारा कंडक्टिविटी और सेल कॉन्स्टेंट। तो जल्दी से इन दोनों के बारे में लिखें, नोट डाउन करें, मिटा दें। तो फॉर्मूले याद रखना भाई, देखो फॉर्मूले में दिक्कत नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि फॉर्मूले पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा, बिल्कुल पक्का। ठीक है, अब जो बारी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से समझना, इसको जो इंडिकेट करते हैं वो करते हैं लैम्डा एम, ये सिंबल है लैम्डा, ये लैम्डा प्रेमिड लैम्डा, और ये है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलेरिटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करता है, NaCl ले लो, कितना, 1 मोल। 1 मोल कितने के बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, कितने के बराबर, मॉलिक्यूलर मास के बराबर, 58.5। अब उसको डिसॉल्व कर दो 1 लीटर में, डिसॉल्व करने के बाद में उससे कुछ आयन रिलीज होंगे, आयन निकलेंगे, समझ गए। तो उन आयनों की जो कंडक्टिविटी होगी, जितना वो करंट फ्लो करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब 1 मोल को, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर में डिसॉल्व करने पर जितने आयन प्रोड्यूस होंगे क्या कहलाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी। यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन वी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, ठीक है ना, ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बात आई यहां तक समझ में, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो, और जितने आयन प्रोड्यूस होंगे उनसे जो करंट फ्लो होगा क्या कहलाएगा, वो मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डेफिनेशन थोड़ी बड़ी सी हो जाएगी यहां पर, तो लिखना जरा, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, समझ में तो क्लियर तो होगी टर्म क्लियर होगी कि 1 मोल को डिसॉल्व कर लो, सीधे खत्म कहानी, 1 मोल को डिसॉल्व कर लो 1 लीटर में, जो कि मोलैरिटी कहलाता है। मोलैरिटी याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व कर लो, जितने आयन निकलेंगे वो जो करंट फ्लो करेंगे क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन वी, वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं, V is defined as the conductance
वी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, ये कट तो ना गया बच्चे, देख लेता हूं, कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस आ गया, ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस, ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस फ्रॉम वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। वैसे तो डेफिनेशन यहीं तक बनती है बस, कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तुम्हारे पास में, V इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस फ्रॉम वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। V सेंटीमीटर क्यूब में मोस्टली मतलब नॉर्मली एक लीटर में एक मोल को डिजॉल्व करने पर जितने आयन प्रोड्यूस होंगे उसको। अब इसमें क्या लिखें हम, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रोड्स, व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर वन सेंटीमीटर अपार्ट, व्हेन द इलेक्ट्रोड आर वन सेंटीमीटर अपार्ट एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर वन सेंटीमीटर स्क्वेयर, इज ले लेता हूं, इज वन सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा एरिया। वन सेंटीमीटर छोड़ो, क्या लिखू मैं यहां पर, इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज That the whole of the solution, that the whole of the solution is contained between them। थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन हो गई है, समझाते हैं। वैसे तो आपको यहीं तक याद करनी है, यहां से यहां तक खत्म बात। अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे दूं, मैंने एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, कुछ भी लिया, मैंने आपको नमक घोल के सॉल्यूशन दे दिया, पानी भर लिया मैंने और मैंने पानी में सॉल्यूशन नमक घोल दिया, मैंने आपसे बोला बताओ कंडक्टिविटी क्या है इसकी, तो कैसे कंडक्टिविटी, कोई तार डालोगे, वायर डालोगे, करंट फ्लो करोगे, या ऐसे उंगली डाल के बताओगे कि देखो करंट लग रहा है इतनी कंडक्टिविटी है, ऐसे बताओगे क्या, तो कैसे बताओगे। तो इसका मतलब उसके अंदर तुम्हें, मान लो तुम्हारे पास में ये बीकर हो गया, इसमें ये सॉल्यूशन है NaCl का, मैंने बोला बताओ क्या कंडक्टिविटी है इसकी, ठीक है, एक मोल इसमें डिजॉल्व है तो कंडक्टिविटी बताओ, तो क्या करोगे तुम, इसमें इलेक्ट्रोड ही तो लगाओगे, इलेक्ट्रोड ही तो लगाओगे। तो ये कह रहा है कि इनके जो एरिया, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, ये बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है सॉल्यूशन के अंदर, और एरिया 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बस ये है और कुछ नहीं इसमें। तो आपको डेफिनेशन यहीं तक करनी है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है आपसे, डेफिनेशन में कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम इक्वल कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, यानी के मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस इन टू वॉल्यूम, जो कि लीटर में, वी सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा, तो मैंने यहां लीटर ले लिया, कोई दिक्कत यहां तक, या छोड़ो इक्वेशन वन, कोई दिक्कत यहां तक। अब कह रहा है डेफिनेशन क्या कहती है कि मोलर, वन मोल डिजॉल्व इन वी सेंटीमीटर क्यूब, यानी मोलरिटी, तो मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम, जो कि लीटर में, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना ले लेते हैं, वन मोल ले लेते हैं, वन मोल, क्योंकि वन मोल डिजॉल्व करवा ला, डिजॉल्व इन वन सेंट, ये रहा वन मोल, तो वन मोल ले लिया, तो कैपिटल एम कितना हो जाएगा, वन अपॉन में वी, वन अपॉन में वी। अब वी को अगर आप एम एल में पुट करना चाहते हो तो इंटू कितना कर दोगे, 1000, यानी सी सी में, सी सी मीटर क्यूब। अब क्या हो जाएगा, V को यहां लेके V इक्वल, V इक्वल जो कि सीसी में है,
वन अपॉन में मोलरिटी इंटू में 1000। अब ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, वॉल्यूम की। ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, वॉल्यूम की। तो यहां वॉल्यूम की जगह पर पुट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन वन, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा एम इक्वल के इंटू वी, वी कितना हो गया वन अपॉन मोलरिटी इंटू में 1000। लैम्डा एम इक्वल के इंटू में 1000 अपॉन में मोलरिटी। जो समझ में इसमें से कुछ ना आया हो तो ये फॉर्मूला पकड़ के बैठ जाना, न्यूमेरिकल इसी पर है। बात आ गई समझ में। अब किसकी बात करें, हम यूनिट की बात करें, यूनिट यूनिट की बात करें, लैम्डा एम की। के क्या है, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, और 1000 किस में लिया जा रहा है, सीसी में, और सीसी क्या है सेंटीमीटर, वॉल्यूम, 1000 क्या वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में ले रहे हैं हम, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में मोलरिटी को मोलरिटी रहने दो या मोल पुट कर दो। ये सेंटीमीटर क्यूब में से माइनस वन गया तो कितना आ गया यहां, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर, और एम को मैं कह ले लूं मोल, तो मोल इनवर्स। तो ये फॉर्मूला हुआ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो जल्दी से लिखें, लिखो जल्दी, मिटा दूं। मिटा दें बच्चे, मिटा दिया। अब बारी आई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो मोलर की जगह पर क्या आ गया, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा इक्यू, लैम्डा इक्यू। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो तुम जानते हो क्या चेंज करना है तुम्हें, मोलर की जगह लिख दोगे यहां पर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 लीटर में डिसॉल्व कर लो, कितने में, 1 लीटर में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 लीटर में डिसॉल्व करने पर जितने आयन प्रोड्यूस होंगे, बात आई समझ में। पहले क्या था, 1 मोल, अब क्या है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी कितना, 1। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 लीटर में डिसॉल्व कर लो, जितने आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन वी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन वी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, बाकी सारा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा ई क्यू इक्वल के इंटू वॉल्यूम, के इंटू वॉल्यूम। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम आप ml में या cc में लेना चाहते हो सेंटीमीटर क्यूब, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 1000। इसको उठा करके यहां लेके गए, vcc इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, इनटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी, अपॉन में क्या, नॉर्मेलिटी। तो अब आप वॉल्यूम, ये रहा, इस वैल्यू को उठा करके कहां रख दोगे, यहां वॉल्यूम की जगह पर रख दोगे। तो लैम्डा ई क्यू इक्वल के इंटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसे वन, ये वन मान लिया जाता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये लिख रहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ये इतनी चीज 1 हो गई, तो ये क्या बचा, 1000 अपॉन में क्या आ गया, नॉर्मेलिटी। तो ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। अगर मैं आपसे यूनिट की बात करूंगा तो के की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन नॉर्मल को नॉर्मल ही रहने दो, ये 3 ये 1 मतलब -1। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर नॉर्मल -1, अगर ऐसे भी लिखा हो सकता है कहीं पर कि ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट वेट माइनस वन, ऐसे भी लिखा हो सकता क्योंकि नॉर्मेलिटी का मतलब है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट को वॉल्यूम में डिसॉल्व करना। तो जल्दी से लिखें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन और इसके बारे में फॉर्मूला, लिख दिया मिटा दें। जल्दी मिट जाओ भाई, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गई इंक इस पर। ठीक, अब कभी कभी क्या करता है कि इक्विवेलेंट वेट ग्राम मतलब इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों देता है, एक देता है और दोनों में से एक निकलवाता है। तो क्या लिखें हम रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी इक्वेशन वन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, के इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी इक्वेशन टू, वन इज डिवाइडेड बाई टू, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ई क्यू इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, के इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी, के से के गया 1000 से 1000 ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू नॉर्मेलिटी अपॉन में मोलरिटी। तो एक तो फॉर्मूला यही बन गया तुम्हारे लिए, मोलरिटी नॉर्मेलिटी दी हुई होंगी दोनों का रेशियो निकल के कुछ आ जाएगा, एक दिया होगा ये। या यहां चलते हैं फिर से, लैम्डा एम ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी ऐसा है कि देखो मैंने बोला था मैं भूल जाऊं तो बता देना भाई, तो बताओगे कैसे, ये रखें ठीक है। अब लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ई क्यू इक्वल नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन में वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम। अगर ये एमएल में ले रहे हो, लीटर ले लो चलो ठीक है, तो नीचे वाला भी लीटर ही लोगे, अपॉन मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो हो गया नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के बाद बारी किसका है, मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, जो कि किसमें, लीटर में, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया ठीक है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया। तो क्या आएगा, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ई क्यू ठीक है, तो कितना आ गया, नंबर ऑफ ग्राम सही कर रहे हैं ना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ई क्यू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही तो होता है मोल, मोल यही तो होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, गिवन मास अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास से गिवन मास कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा इस बार ठीक है। तो लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ई क्यू इक्वल मोलर मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा ई क्यू अपॉन में लैम्डा ई क्यू इक्वल
मोलर मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एक्स, मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आया, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू इक्वल एक्स, ये आ गया जी। ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक बार नीचे वाला तो निकट गया बच्चों, ठीक है ठीक है। अब एक्स क्या होता है, तो एक्स आपको पता है कि एक्स जो होता है वो आयंस होते हैं एक्स। अब एक्स कैसे निकालते हैं हम, एक्स एक्स मान लो कोई एसिड है तो एच आयन ले लेंगे, अगर बेस है तो ओ एच आयन ले लेंगे, सॉल्ट है तो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी ले लेंगे। तो ये होता है एक्स में, नॉर्मेलिटी में आपको बता चुका हूँ यूनिट सेकंड में, और थर्ड चैप्टर में भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो जल्दी से लिख लें। है कुछ भी नहीं, बस डिवाइड करते चले गए, काटते पीटते चले गए, इसे आंसर आ गया फाइनल। वैसे कुछ नहीं है, कभी तुम सोचो अरे यार ये नया फॉर्मूला, नया कुछ नहीं है, ठीक है करो जल्दी से, है आसान टर्म मिटा दें। तो बिल्कुल जनरल टर्म्स हैं ये, अभी न्यूमेरिकल कुछ नहीं आया, फॉर्मूले पांच छह हो गए, नंबर एक रेजिस्टेंस का हो गया, दूसरा कंडक्टेंस का हो गया, फिर रेसिस्टिविटी का हो गया, फिर कंडक्टिविटी का हो गया, फिर मोलर कंडक्टिविटी का हो गया, और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हो गया, फिर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हो गए जिन पर न्यूमेरिकल आने बाकी हैं, अगर सभी पर एक एक न्यूमेरिकल भी किया तो कम से कम छह या सात न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो फिर कम से कम दो घंटे की बन जाएगी, तो न्यूमेरिकल अगली वीडियो में आएगा, ये जनरल टर्म्स ही आपको पढ़नी है, अभी याद रखनी है। अब मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स ठीक है, थोड़ा सही लिख देता हूं, मेजरमेंट्स ऑफ, मेजरमेंट्स ऑफ वो सारी चीजें जो आप अब तक पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी पूरा नहीं लिख रहा, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये रहा। अब इसका मेजरमेंट्स कैसे करोगे भाई, क्योंकि तुम बात कर रहे हो सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट की, तुम किसी मेटल की बात नहीं कर रहे। अगर तुम मेटल की बात करते तो मेटल तो सीधे सीधे निकल जाता है, लेकिन अब करोगे कैसे भाई, देखो तुम जरा। तो भाई सुनो, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज मैं आपको जरा बताता हूँ थोड़ा सा, तो हमारा तो वैसे ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज में चार वायर होते हैं, ये नहीं, एक, दो, तीन, चार। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, या जो कि मतलब स्विच, या बैटरी ले लेते हैं हम, ठीक है ना। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, फिजिक्स में तुमने सुना होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, जब तुम स्विच को ऑन करोगे, इसे जोड़ोगे, तो करंट फ्लो होने लगेगा, ये अधूरा रह गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, R1, R2, R3, R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4, किसी को भी R1, किसी को R2, किसी को R3। अब रेशियो क्या करना होता है इसका, R1 बाई R3 इक्वल R2 बाई R4, या R1 बाई R2 इक्वल R1 बाई R2 इक्वल R3 बाई R4, या समझ में आए मैं कैसे बना रहा हूं। पहले मैंने लिखा R1 बाई R3, ये ऐसे R1 बाई R3, तो डायरेक्शन सेम है ऐसे, ठीक है। फिर मैंने लिया, फिर मैंने लिया ऐसे R1 बाई R2, R1 बाई R2, तो फिर ये हो जाएगा R3 बाई R4, या तुम ऐसे ले लो R3 बाई R1, तो ये भी ऐसे लेना पड़ेगा R4 बाई R2, मतलब ऐसे ले लो या ऐसे या ऐसे या ऐसे,
सेम डायरेक्शन लेनी है, अलग अलग नहीं लेनी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई फिक्स मत रखना कि भाई ये मैंने R1 by R2 क्यों किया, R1 by R2 क्यों किया, ये R1 ऐसे क्यों, डायरेक्शन सेम रखनी है, ये ऐसे तो ये भी ऐसे, ये ऐसे तो ये भी ऐसे, ये ऐसे तो ये भी ऐसे। बात आई यहां तक समझ में? तो तुम्हारे पास में ये हो गया इसका। अब इसमें क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि ये होता है अननोन, ये अननोन है और ये वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल। तो आपने सारे वायर कनेक्ट कर दिए इसमें, अब ये अरेंजमेंट सही है या गलत है पता कैसे लगेगा? अननोन का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, हमें ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, आर टू अननोन है यहां पर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आर टू आ जाएगा। तो ये वायर की बात चल रही है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन की बात नहीं चल रही फिलहाल यहां पर। अब अरेंजमेंट सही है या गलत है, तो होता क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन दिखाता रहता है, इसकी निडल ऐसे होती रहती है, डिफ्लेक्शन दिखाता रहता है। तुम्हें डिफ्लेक्शन को खत्म करना है, खत्म कैसे करोगे, इस वेरिएबल वायर को चेंज करते रहो बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, बीस बार चेंज करते रहो। फिर क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगी निडल बिल्कुल सही जीरो पर, उसे हम बोलेंगे नल पॉइंट। ऐसा इसलिए हुआ कि जब तुमने करंट फ्लो किया तो करंट ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, तो यहां जब वायर आया तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर और एक इधर। अब ये वाला करंट इधर चला, ये इधर चला। अब जब करंट यहां आ गया चलते चलते यहां आ गया, तो अब यहां से भी इसे दो पार्ट में डिवाइड होना था, एक इधर और एक इधर, लेकिन करंट इधर नहीं फ्लो हो रहा, केवल इधर जा रहा, इधर इधर नहीं जा रहा। जब इधर नहीं जाएगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसी को हम नल पॉइंट बोलेंगे। बात आई समझ में? यानी अरेंजमेंट सही है। तो ये तो बात हुई मेटल की। अब मेटल की केमिस्ट्री में कम ही जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, मेटल की केमिस्ट्री में बहुत कम जरूरत पड़ती है। मैं तो सॉल्यूशन की बात करूंगा, मैं तो बोलूंगा भाई आप NaCl सॉल्यूशन को डिसॉल्व करें एक बीकर में, आप एक लीटर सॉल्यूशन में एक मोल NaCl डिसॉल्व करें, दो मोल NaCl डिसॉल्व करें, चार मोल NaCl डिसॉल्व करें, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में मुझे रेजिस्टेंस बताएं, उस सॉल्यूशन में मुझे कंडक्टेंस बताएं, उस सॉल्यूशन में मुझे कंडक्टिविटी बताएं, सारी चीज बताएं, ठीक है। तो अब क्या हो, तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो हुआ हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या हुआ ये व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह पर हम लेते हैं मीटर ब्रिज, यानी मीटर ब्रिज एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, यानी मीटर ब्रिज काम करता है किस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, जिसमें हम सॉल्यूशन के थ्रू फाइन इससे भी कर लेंगे या वायर हटा के सॉल्यूशन जोड़ते हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करें जी, अब हमें व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज बनाना पड़ेगा, यानी इसकी एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज की हेल्प से हम फाइंड करेंगे अपनी ये सारी चीजें, मेजरमेंट्स चल रहा है यानी एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं मीटर ब्रिज बना रहा हूं भाई, समझना जरा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, बनाने में तो घबराना नहीं कि ज्यादा समय लग गया, वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना आपको मिलेगा नहीं, फिजिक्स में ही मिलेगा, केमिस्ट्री में तो शायद ही कोई बताए। ये मीटर है, ये एक मीटर का वायर होता है ये, इसलिए मीटर ब्रिज बोल रहे हैं। यहां एसी सोर्स लगा दिया, एसी, एसी तो लिखा ही नहीं, एसी सोर्स। सबसे पहली बात तो यही होगी तुम्हारे लिए कि एसी सोर्स क्यों लगाया, डीसी, डीसी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डीसी में इलेक्ट्रोड फिक्स हो जाते हैं, डीसी में इलेक्ट्रोड फिक्स हो जाते हैं, कैथोड कैथोड रहेगा, एनोड एनोड रहेगा, लेकिन एसी में कैथोड एनोड बार 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 चेंज होते रहते हैं। डीसी में जो सॉल्यूशन, अभी बताऊंगा मैं, जब सॉल्यूशन बना लूं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक अब कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर एक सेल और बनाया, उसको कंडक्टिविटी सेल बोलेंगे हम, एक ये इलेक्ट्रोड लिया, प्लेटिनम की कोटिंग कर दी हमने इस पर, सील्ड ग्लास ट्यूब लगा दिया,
वायर ऊपर निकला हुआ है, वो सॉल्यूशन आपने भर लिया जिसका आपको एक्सपेरिमेंट करना है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भर लिया यानी ये एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन। ये कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। ये प्लेटिनाइज्ड फॉइल, यहां लिख देता हूं पीटी इलेक्ट्रोड, पीटी इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इस वायर से, ये एक वायर है, ये मैं समझा, मैंने क्लाउड बना दिया, बादल बना दिया, ये वायर इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से मैंने ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल वायर था ना, ये हो गया वेरिएबल। यहां मैंने यहां सॉल्यूशन कनेक्ट कर दिया इस वायर से, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब मैंने यहां एक जोकी लगा दी, ईयरफोन होता है जोकी, जे ओ सी के ई वाई, इस जोकी में मैंने यहां पर ईयरफोन लगा दिया, क्या लगा दिया, ईयरफोन। ये ए और सी एक वायर की लंबाई है, तो यहां ये डी पर टच कर रहा है, मतलब कैसे, मतलब ऐसे हुआ कि आपने ईयरफोन अपने कान पर लगाया और अरेंजमेंट ऐसा बना करके, जो मैंने आपको पहले लिख दूं यहां, वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हो गया अननोन, ये अननोन हो गया, अननोन रेजिस्टेंस जो इस सॉल्यूशन का। ईयरफोन तुमने अपने कानों पर लगाया, जोकी को लिया और इस पर बार 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 टच करने लगे, ठीक है। जब टच करने लगोगे तो कहां पर टच करके छोड़े, हम मैंने यहां टच करके छोड़ दिया, तो कहां पर टच करके छोड़े, तो जहां पर तुम्हें एक बीप की साउंड सुनाई देगी, जहां पर तुम्हें एक बीप की साउंड सुनाई देगी, आवाज आएगी टू, तो जहां पर बीप की साउंड सुनाई देगी, समझ जाना वही अरेंजमेंट सही है और वही जोकी को टच करके आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहां पर, यहां देखो जरा आप, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या मान लू मैं, आर, और इसको क्या मान लू एक्स, तो आर अपॉन एक्स इक्वल, अब ये वायर दो पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, एडी और डीसी, तो एडी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इधर डीसी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एडी वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी वायर, जब तुम्हें आर पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, क्योंकि एक मीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर के वायर में आपको रेजिस्टेंस पता है, नोन है, इसका भी रेजिस्टेंस नोन है, तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स, एक्स निकल के आ गया कुछ ओम, तो वो एक्स किसका निकला, इस सॉल्यूशन का निकला, समझे। एक्स किसको माना हमने, इस सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस के, और कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस के। इसका मतलब G इक्वल क्या हो जाएगा, 1/r, और r क्या निकल के आया, ये x, यानी 1/ में x कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां पर, ओम इनवर्स आ गई। अब रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, रेसिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला निकलवाया था मैंने, रो इक्वल आर इंटू ए बाई एल, ए बाई एल, तो रो ठीक है, रो निकालना, आर ये रहा आर, यहां पर इतना निकल के आया जो भी आया, इंटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का, इंटू एल इस वायर की लेंथ। अब के निकालना है, के तो के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 1/ में रो, तो रो जितना भी निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/ में इतना, बात आई यहां तक समझ में। अब उसके बाद मैंने बताया रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, उसके बाद आया मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इक्वल के, के ये निकल गया यहां पर, इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, तो इस सॉल्यूशन की कुछ मोलरिटी आपको देगा, 0.51 मोलर, 2 मोलर, ना दे तो मोलरिटी के फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, ठीक है। लास्ट बात, तो लैम्डा ई क्यू इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी, तो के क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये निकाल ली यहां पर, 1000
1000 ही होगा, नॉर्मेलिटी इस सॉल्यूशन की देगा, नहीं देगा तो नॉर्मेलिटी हम निकाल लेंगे और निकालना जानते भी हैं। तो ये जो आज मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट बताया, मेजरमेंट बताया, जनरल टर्म्स बताएं, तो जनरल टर्म्स में मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, और उनके बारे में अच्छे से तरीके से बताने की कोशिश की। तो आई होप सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में आ जाएगी, आ गई होंगी। और रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बस फॉर्मूले याद करना, इनकी डेफिनेशन नहीं आती है कभी। कोई यूनिट आ जाती है लिखवाने के लिए पेपर में एक नंबर में, या न्यूमेरिकल तो जरूर आएगा, ठीक है। अब अगली जो यूनिट, अगली जो वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो ये जो फॉर्मूले बताए थे 7 या 6 जो भी है गिनती में आप काउंट कर लेना, इन पर सब पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2-2, 3-3 कम से कम, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। ओके, बाय बच्चों।